किसी में मूसा की साथ था धीरे भी चलूंगा जैसी में मूसा के साथ
गुरु बन जाऊंगा, उस परमेश्वर को याद करूंगा। तुझको संभालने वाला
परमेश्वर को याद करते हुए अपने आप को बंद करते हुए और मूसा को याद करते हुए जैसे मूसा की अगुवाई की परमेश्वर ने इसलिए परमेश्वर मेरी अगुवाई कर परमेश्वर मेरे राहों परमेश्वर मेरे आगे आगे होगी सब परमेश्वर मुझे साथ मेरे परमेश्वर
Oh,
परमेश्वर से बात पाप मुझे छू लिया मेरे परमेश्वर मुझे छू लिया मुझ में काम करे परमेश्वर आज मुझे बात कर मेरे परमेश्वर मुझे छू लिया बात करते मेरे सामने परमेश्वर जैमसी की ऑनलाइन चर्च आजीवित परमेश्वर की हजूरी में और मॉर्निंग प्रेयर में यानी सुबह की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। आपने अभी वर्शिप की, परमेश्वर ने आपको अपनी ग्रेस से भरा, परमेश्वर ने अपनी अनॉइंटिंग से आपको भरा। विश्वास करें आज आपकी प्रार्थना उस परमेश्वर के स्वर्ग राज्य तक पहुंचेंगी और हर एक उस दरवाजे को आपके लिए खुलवाएंगी जो इतने समय से आप वेट कर रहे हैं। परमेश्वर मेरी जॉब के लिए गेट खुले, मेरी बच्चों की आशीषों के लिए वो डोर खुले मेरे परमेश्वर, मेरी चंगाई के लिए वो डोर खुले खुदा, वीजा के लिए डोर खुले परमेश्वर, या मैं आत्मिक उन्नति करना चाहता हूँ वो डोर खुले आज वो परमेश्वर। जब हम मॉर्निंग के समय आज प्रार्थना करेंगे, आप सबसे ज़्यादा परेशान क्यों हैं? आप इसीलिए परेशान हैं कि आपके ऊपर कर्ज है, आपके पास धन की कमी है, मेन आप इसी बातों को लेकर ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। और आज हम इसी बात के लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि आज जो वचन हम बोलेंगे आपको शाम तक वही वचन अपने मुंह से बोलना है, बार बार अंगीकार करना है। जब उस वचन को आप बार बार अंगीकार करेंगे, आज सुबह की प्रार्थना जब मॉर्निंग से इवनिंग तक खुदा के वचन के साथ आप कमांड करेंगे, इट मींस आप शैतान को चोट पहुंचाने की तैयारी कर रहे हो और ब्लेसिंग को अपने घर में देखने की तैयारी कर रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि संकट के लिए प्रार्थना, लेकिन संकट कौन सा, यानी कर्जे के द्वारा जो आपके जीवन में टेंशन है, आपको मुसीबतें हैं, उसके लिए हम क्या प्रार्थना करें। परमेश्वर के कलाम में लिखा, जब तू मेरे पास आए तो विश्वास के साथ मेरे पास आए और जो कुछ तुम मुझसे मांगे विश्वास के साथ मांगना। तो आज हम कर्जे के लिए स्पेशली प्रार्थना करेंगे सुबह के समय। जितने भी परमेश्वर के बेटे बेटियां आज कर्जे से परेशान हैं, लाइफ में दिक्कतें हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन करते हो, आपको आज चिंता नहीं करनी। परमेश्वर कह रहा है मैं हर एक कर्जे को खत्म करने के लिए सामर्थ्य हूँ, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। अब जब हम मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगी, इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और वही परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा आज उस प्रार्थना के द्वारा आपके घर की हर एक उस संकट को जो कर्जे से आपके घर में आया हुआ है, जो प्रॉब्लम्स है, खुदा खत्म करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में।
अभी जब मैं आपको वचन बता रही थी, पवित्र आत्मा ने मुझे नाम बोला, कोई पवन ब्रदर है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो रखा है और आप बहुत टेंशन में हो ब्रदर, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, आप टेंशन कर रहे हो खुदा मैं कहाँ जाऊं कैसे करूं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आज की प्रार्थना जब आप पवन ब्रदर करेंगे, परमेश्वर हर एक कर्जे से आपकी लाइफ को क्या करेगा, स्मूथ करेगा और आपको कर्जा खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा कि मॉर्निंग प्रेयर में कितनी पावर है, कि आज जो मॉर्निंग प्रेयर आपने की परमेश्वर ने आपके कर्जे को खत्म कर दिया। कोई मनप्रीत सिस्टर है ऑनलाइन चर्च में, आपने भी किसी से उधार पैसे लिए और आप दे नहीं पा रही हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं कर्जे को खत्म करूंगा, उस उधारी को खत्म करूंगा, मैं तुझे धन लेने वाला नहीं तुझे धन देने वाला बनाऊंगा, दूसरों की हेल्प करने के लिए आज परमेश्वर आपको क्या कह रहा है, खड़ा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो आइए मिलकर हम आज प्रार्थना करेंगे, और मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर हर एक कर्जे से आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आज का दिन आज की सुबह जो आपने दिखाई मेरे परमेश्वर, हम आपका थैंक्स करते हैं, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, और मेरे परमेश्वर सबसे ज्यादा धन्यवाद करते हैं आज आपने अपनी सांसें एक और दिन हमें उधार दी मेरे परमेश्वर। मेरा विश्वास है आज जब हम कर्जे के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लाखों लोग जो इस समय ऑनलाइन चर्च में मौजूद हैं, एक एक का कर्जा आप खत्म करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है मेरे परमेश्वर आज का वचन जब ये स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, उस वचन को जब ये पढ़ेंगे और अपने मुंह से कमांड करेंगे पूरा दिन शाम तक लगातार, मेरे परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम, हर एक कर्जा, हर वो टेंशन, हर वो संकट प्रभु, जो डर इन्हें रहता है हर समय मेरे प्रभु, आज वो खत्म होने के लिए जा रहा है, ये ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा जी अपने बच्चों को बुद्धि समझ और ज्ञान का आत्मा देना मेरे खुदा, आज जितने वचन को बोलेंगे खुदा, जितनी प्रार्थना करेंगे, सब जन मेरे परमेश्वर आज उस कर्जिस से, उस कर्जे से आजाद होने वाले यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते खुदा, सारी महिमा आपके नाम को देते, इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमेन आमेन। आज विश्वास करें चर्च, पवित्र आत्मा कह रहा है कोमल चिंता ना कर, मैं कर्जे को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। कोई राजिंदर ब्रदर है ऑनलाइन चर्च में, आपने बैंक से लोन लिया लेकिन आप दे नहीं पा रहे हैं, और पवित्र आत्मा कह रहा है आज आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको उस बैंक लोन से जिसकी आपको चिंता है, किसी ने गाड़ी का लोन ले रखा है, किसी ने घर के लिए पर्सनल लोन लिया, किसी ने वेडिंग के लिए लोन लिया हुआ है, बहुत सी चीज़ों के लिए आप लोगों ने लोन लिए हैं लेकिन आप दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या कारण है, शैतान आपको रोक रहा है, आपको बढ़ने से रोक रहा है, लेकिन जब हम आज प्रार्थना करेंगे मॉर्निंग प्रार्थना, विश्वास से करना, कमांड करना है आज शैतान को, आपने कमांड के द्वारा, वचन की कमांड के द्वारा जब हम प्रार्थना करेंगे मिलके, फायर प्रेयर करेंगे, तो पवित्र आत्मा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हम स्क्रीन के ऊपर वचन देखेंगे, लिखा भजन संहिता 32 में और उसकी 6 आयत में, कि इस कारण हर एक भक्त उससे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। आज परमेश्वर कह रहा है सुबह का समय भक्त इस समय में प्रार्थना करें जब परमेश्वर मिल सकता है। सारा दिन आपने वर्क करना है, किसी ने जॉब पे जाना है, किसी ने बुटीक पे जाना है, किसी ने पार्लर में जाना है, किसी ने कंपनी में जाना है, किसी ने आईटी कंपनी में जाना है, किसी ने पढ़ाने के लिए जाना है, कोई टीचर्स हैं, किसी ने कोर्ट में जाना है, कोई वकील है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ऐसे समय में भक्त प्रार्थना करे जबकि परमेश्वर मिल सकता है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। यानी कर्जा आपके ऊपर आ रहा है, शर्मिंदगी आपके ऊपर आ रही है, दिक्कत आपके ऊपर आ रही है, परमेश्वर कह रहा है मैं खत्म करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं आज हम मिलकर जब प्रार्थना करेंगे, वो मसा, वो डिलीवरेंस आपके ऊपर आएगी, अभिषेक आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आप आज से कमांड करने वाले बनने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका विश्वास है तो आइए आज हम मिलकर कर्जे के लिए प्रार्थना करें। आपको अपना मुंह खोलना और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करनी है। जितने भी खुदा के बेटे बेटियां आज ऑनलाइन चर्च में जुड़े हैं, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आज की मीटिंग को, आज के लाइव को लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि परमेश्वर आप ही के जितना सुसमाचार आप फैलाएंगे परमेश्वर उतना अनुग्रह आपकी लाइफ में करने के लिए जा रहा है। अपनी प्रॉब्लम्स को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर करना ना भूलें, लोगों को मॉर्निंग प्रेयर के लिए बताना ना भूलें, क्योंकि सुबह के समय परमेश्वर ने कहा जान रखो यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। तो परमेश्वर ने आपको अलग किया है, आपको कर्जे से आज परमेश्वर आज़ाद करना चाहता है। तो परमेश्वर के पास जब हम जाएंगे, कहें परमेश्वर आज का दिन हमारे जीवन में एक नई सुबह को लेकर आ रहा है, यानी आप सो नहीं पा रहे हैं, चिंता है बहुत ज़्यादा कि कर्जा है, कैसे पैसे देने हैं, लेकिन यहोवा आपको गुप्त धन के साथ आज ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हम वचन को क्लेम करेंगे, ऐसी खुदा ने कहा कि इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय प्रार्थना करे। बोलो परमेश्वर ये समय आज है जिसमें हम आपसे मिलकर प्रार्थना करेंगे और आप हमारे कर्जे से हमें आज़ाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा का थैंक्स करेंगे और कमांड करेंगे, आज शैतान को बांधेंगे अपने मुख के द्वारा जब कमांड करेंगे। जॉब चाहिए, हर एक चीज़ जो खुदा ने आपके जीवन में जो रखी है आपकी प्रार्थना के द्वारा खुदा आपको डिलीवर करेगा,
और आपको परमेश्वर की हजूरी में आज मिलकर प्रार्थना करनी है कि आओ अपने बच्चों को लेकर, अपने पति को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर, सबको लेकर इस समय आइए। आज हम कर्जे के लिए प्रार्थना करेंगे और मेरा परमेश्वर हर एक उस कर्जे से आपको आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी हम प्रार्थना करते हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आज हम कमांड करेंगे मेरे परमेश्वर, वही एंजल्स आज जाएंगे आपके बच्चों को आज़ाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिन पर कर्जा है मेरे परमेश्वर, जो परेशान है आज चिंता में, हर एक कर्जा खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक शर्मिंदगी, हर एक वो डर कि कहीं वो व्यक्ति ना आ जाए और हम कहाँ जाएंगे, प्रभु ये डर खत्म हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। शर्मिंदगी जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक डर का आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे परमेश्वर जो रात को ये सो नहीं पाते हैं, सारी रात जो चिंता है खुदा, आज इस वचन के द्वारा कि जब भक्त पुकारेगा यहोवा सुनेगा, मेरे परमेश्वर इनकी लाइफ से हर एक कर्जा डालने वाली प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुष्ट जो इन्हें गरीबी को डालता है परमेश्वर, इन्हें इनके जीवन में मेरे परमेश्वर उस भय को डालता है कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, मेरे परमेश्वर आज प्रभु जी आप उस बाढ़ को, आप उस नदी को, उस डर की नदी को मेरे परमेश्वर इनकी लाइफ से पार करने के लिए जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। इसी समय जो लोग इन्हें गिराना चाहते हैं प्रभु जी, जो इन्हें डरा रहे हैं मेरे परमेश्वर, आज वो लोग इनके जीवन से दूर हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करे, खुदा एंजल्स को भेजें यीशु मसीह के नाम में। हर एक कर्जा, हर एक वो टेंशन इन्हें छोड़े और चली जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग खुले यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनके हाथ आज से परमेश्वर उधार लेने वाले नहीं, आज से उधार देने वाले बने यीशु मसीह के नाम में। अपने वचन को भेजे मेरे परमेश्वर, इसी समय कमांड करते हैं सब अपने मुंह को खोलें और मुंह खोलकर प्रार्थना करें। हर एक कर्जा डालने वाली आत्मा छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक वो दुष्ट इन्हें छोड़कर चला जाए यीशु मसीह के नाम में, जो टेंशन देता है मेरे परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, उकाब की ना ही तुम्हें ऊंचा करूंगा। मेरे परमेश्वर इस समय जिसने बोझ ले रखा है प्रभु जी, जो कोई टेंशन के कारण बीमार है मेरे खुदा, जो कर्जे के कारण सो नहीं पा रहा है मेरे खुदा, आज तेरा वो हाथ स्वर्ग से इनके ऊपर रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक कर्जा जाए यीशु के नाम में, हर एक दुष्ट जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक प्रॉब्लम छोड़े और चली जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चे फ्री हो जाए मेरे परमेश्वर, इनका जीवन फ्री हो जाए परमेश्वर। हर एक लोन खुदा इनका उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं, इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा रहे हैं, इन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर कोर्ट केस डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो डर डालने वाली हर एक दुष्ट की युक्ति को हम कैंसिल करते हैं आज यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यीशु नाम में पावर है, यीशु नाम में जीवन है खुदा, तेरा नाम ही सामर्थ्य है प्रभु जी। तेरे नाम जितने लोग ले रहे हैं, अपने मुँह खोल कर आज कमांड कर रहे हैं सुबह के समय, प्रभु हर एक बाढ़ इनके पास से चली जाए, हर एक वो दुष्ट इनके पास से चला जाए। मेरा विश्वास है परमेश्वर, जितनों ने आपकी ओर देखा उन्होंने ज्योति को पाया है। वही ज्योति इनके घर पर आए, वही ज्योति इनके बिजनेस पर आए, वही ज्योति इनके बच्चों के ऊपर आए, वही रोशनी, वो लाइट मेरे परमेश्वर इनके जीवन के ऊपर आए यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है खुदा आप बदल रहे हैं, मेरा विश्वास है खुदा आप छू रहे हैं। इसी समय जैसे शद्रक मेशक अभिदनोगियो की मदद करने के लिए आप आए मेरे परमेश्वर और राजा को आपने लज्जित किया, इसी तरह जो लोग मेरे परमेश्वर इनके खिलाफ गड्ढे खोद रहे हैं खुदा, इन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा इनके घर में आए मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा इनके बिजनेस में आए मेरे परमेश्वर। आज तेरे इस वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर, जो हार्ट की प्रॉब्लम में है मेरे प्रभु, जो डर के कारण परमेश्वर इसी समय सो नहीं पा रहा है, जो डर के कारण खुदा घर से बाहर नहीं जा रहा है, इसी समय तेरा आत्मा इन्हें फ्री करे मेरे परमेश्वर। फ्री हो जाओ आज यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाओ कर्जे से यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यहोवा ने वचन में कहा, मैं तुम्हें गुप्त में छिपे हुए धन के साथ ब्लेस करूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंचे नीचे रास्ते को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा और मैं तुम्हें गुप्त में छिपे धन के साथ ब्लेस करूंगा, ताकि तुम जान लो कि यहोवा ने तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुलाया। मेरे परमेश्वर आज इनका नाम लेकर इन्हें बुलाएं। आप कह रहे सन्नी तू चिंता मत कर, मैं तेरे कर्जे को खत्म करने के लिए जा रहा हूं। लक्ष्मी तू चिंता छोड़ दे और यहोवा से आज प्रार्थना कर, मुंह खोल के यहोवा आजाद करने के लिए जा रहा है। बंटी खुदा के सामने हाथों को उठा और आज प्रार्थना कर, सभी हाथों को हिलाकर अपने घर में मुंह से कमांड करें, हर कर्जा डालने वाली आत्मा छोड़े और चली जाए, हर एक टेंशन देने वाली आत्मा छोड़े और चली जाए। आज आपके मुंह में अथॉरिटी है, आपके हाथों में कमांड है। आज मूसा की तरह वचन को लेकर हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपने कहा कि भक्त जन जब पुकारेगा यहोवा सुनेगा। पवित्र आत्मा आप सुने इनकी प्रार्थना को, जो गाड़ी का केस है मेरे परमेश्वर, जो गाड़ी का लोन है मेरे परमेश्वर, जो घर का लोन है मेरे परमेश्वर, जो बच्चों के लिए स्टडी लोन लिया मेरे प्रभु, वो उतरे यीशु मसीह के नाम में। हर एक कर्जा खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक डिप्रेशन में, हर एक टेंशन में डालने वाली आत्मा छोड़े और चली जाए यीशु मसीह के नाम में। टच होली गोज पवित्र आत्मा कायर इनके जीवन में आज तू काम कर यीशु मसीह के नाम में।
पवित्र आत्मा जी हम प्रार्थना करते हैं आज जितने अपने हाथों को उठा रहे हैं पवित्र आत्मा जी आप उनके जीवन को बदल रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनकी परिस्थिति को बदल रहे हैं परमेश्वर, एंजल्स रिलीज कर रहे हैं आप स्वर्ग से मेरे परमेश्वर, हर एक जन मेरे परमेश्वर जो हाथों को उठा रहा है आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा है आप उन्हें छू रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें आज़ाद कर रहे हैं परमेश्वर, हर एक कर्जे से आज़ाद कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, हर एक शर्मिंदगी डालने वाली आत्मा को इनके जीवन से दूर कर रहे हैं प्रभु जी, सुसाइड कराने वाली आत्मा को दूर कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, इन्हें घर से दूर भागने की हर एक वो दुष्ट आत्मा कि हम छुप जाएं कहीं चले जाएं मेरे परमेश्वर, वो आत्मा को आप दूर कर रहे हैं क्योंकि आपका पवित्र आत्मा इन्हें छू रहा है परमेश्वर, आपका वो दया वाला हाथ इन्हें छू रहा है मेरे परमेश्वर, इसी समय आपकी ग्रेस इनके ऊपर आ रही है, आपकी अनॉइंटिंग इनके ऊपर आ रही है, तेरा मस्सा इनके ऊपर आ रहा है परमेश्वर, हर एक बंधन से, हर एक श्राप से, हर एक कर्सिस से आज आप इन्हें आजाद करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर मेरा विश्वास है जितने आपकी ओर देख रहे हैं आपको पुकार रहे हैं आपकी ज्योति इनके ऊपर आ रही है, आपकी लाइट इनके ऊपर आ रही है और ये ब्लेसिंग को खुलता देख रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आप छू रहे हैं जितने हाथों को हिला रहे हैं खुदा, अपने घर में घुटनों को टिकाकर प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, जितने आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आज इस वचन को मेरे परमेश्वर वचन संहिता के अंदर जो लिखा है मेरे परमेश्वर कि भक्त जन जब पुकारेगा और जो वचन हमने पढ़ा मेरे परमेश्वर कि जान रखो यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है मेरे परमेश्वर, ये सब आपके द्वारा अलग किए गए हैं मेरे खुदा, आप इन्हें छू रहे हैं मेरे परमेश्वर, इनके हाथों में कमाने वाली सामर्थ आ रही है, इनके हाथों में धन का अभिषेक आ रहा है मेरे खुदा, इनके घर में तेरी अनॉइंटिंग उतर रही है मेरे परमेश्वर, परिस्थितियां बदल रही हैं मेरे खुदा, आप छू रहे हैं आप ब्लेस कर रहे हैं आप इन्हें नई नई गवाहियों के साथ खड़ा कर रहे हैं मेरे परमेश्वर और ये गुड न्यूज़ के साथ आ रहे हैं मेरे खुदा, आपने कर्जे को खत्म किया धन्यवाद करते प्रभु जी, अनॉइंटिंग को दिखाया धन्यवाद करते हैं खुदा, नई नई गवाहियों के साथ खड़ा किया धन्यवाद करते हैं और मेरे परमेश्वर अगर मेरे खुदा इस समय किसी के जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम है लेकिन आपके वचन में हमने पढ़ा कि यदि वो नदी भी आएगी तो वो भक्त के पास ना पहुंचेगी, वो बाढ़ इनके पास नहीं पहुंचेगी खुदा, अगर कोई इन्हें गिराने की कोशिश कर रहा है खुदा, इनके पास कोर्ट केस करने की कोशिश कर रहा है खुदा, इन्हें कोई डराने की कोशिश कर रहा है मेरे परमेश्वर, लेकिन आपने आज इस वचन के द्वारा बोल दिया है मेरे परमेश्वर जो सुबह से लेकर शाम तक इस वचन को लेकर प्रार्थना करेगा खुदा वो जय को देखेगा, वो अनॉइंटिंग को देखेगा, तेरे गिफ्ट को देखेगा खुदा, तेरे कामों को देखेगा खुदा, और मेरा विश्वास है खुदा तूने जीवन को बदल दिया है मेरे परमेश्वर, ब्लेसिंग को खोल दिया है मेरे खुदा, चंगाई को रिलीज कर दिया है मेरे खुदा, बहुत सी लेडीज आज अपने जीवन में आनंद को देखेंगी, बहुत से ब्रदर हैं जो फूड नहीं खाते प्रॉपर नींद नहीं लेते लेकिन खुदा कह रहा है आज मेरी शांति आ रही है, आज मेरा अभिषेक आ रहा है और तुम आज़ाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में, हर एक कर्जा खुदा की ओर से खत्म हो चुका है, हम विश्वास करते हैं, जितने विश्वास करते हैं आज कहें परमेश्वर हमें विश्वास है, आज हम कमांड करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि मेरे परमेश्वर धन का अभिषेक इनके घर पर ठहर जाए, धन का अभिषेक इनके बिजनेस पर ठहर जाए, धन का अभिषेक खुदा इनके बैंक बैलेंस में आए यीशु मसीह के नाम में, और प्रभु मेरा विश्वास है अभी आपने वचन में कहा कि मैं तुम्हें गुप्त में छिपे हुए धन के साथ ब्लेस करूंगा, आप ब्लेस कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप बदल रहे हैं मेरे परमेश्वर, हर एक नेगेटिविटी इन्हें छोड़े और जाए, हर एक बीमारी इन्हें छोड़े और जाए, हर एक टेंशन इन्हें छोड़े और जाए क्योंकि वो इनका हिस्सा नहीं है, इनका हिस्सा खुदा की अनॉइंटिंग खुदा की शांति खुदा की ग्रेस और खुदा के फ्रूट्स हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है जितनों ने भी प्रेयर को रिसीव किया जितने प्रार्थना में बने हुए मेरे परमेश्वर आपने इन्हें छुआ और ब्लेस किया और प्रभु की गवाही के साथ खड़ा किया है, धन्यवाद करते हैं खुदा, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। आज मेरा विश्वास है जितनों ने कर्जे के लिए प्रार्थना की और वचन में हमने पढ़ा कि इस कारण हर एक भक्त उस समय में प्रार्थना करे जबकि परमेश्वर मिल सकता है, मॉर्निंग का समय आपको हर रोज़ खुदा से प्रार्थना करने के लिए आना है, जो वचन आपको हर रोज़ पढ़ाया जाए उस वचन को आपको हर रोज़ पढ़ना है, उस वचन को क्लेम करना है, क्योंकि जब तक आप अपने मुँह से वचन को क्लेम नहीं करेंगे, जब तक अपने मुँह से कर्जे के लिए आप प्रार्थना नहीं करेंगे कर्जा जाए मुझे छोड़ के यीशु मसीह के नाम में, तब तक खुदा ने जो एंजल्स आप लोगों के लिए भेजे हैं, क्योंकि एंजल्स को नहीं पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन जब आप मुंह खोल के वचन को कमांड करते हैं और मुंह खोल के प्रार्थना करते हैं उसी समय एंजल्स अपना वर्क करना शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम में। इस वचन पे हाथ रख के सुबह से लेकर शाम तक आपको प्रार्थना करने की परमेश्वर आज ये भक्त की जो प्रार्थना है आपने कहा कोई दुख कोई गरीबी कोई कर्जा मेरे घर तक नहीं पहुंचने पाएगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है,
यहोवा ने मुझे याद रखा है, यहोवा ने मुझे पुकारा। और वचन में यहोवा ने यही कहा कि आज परमेश्वर आज इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बड़े काम करने के लिए जा रहा है। आज अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का, हालेलुया बोलें, थैंक यू जीसस बोलें, बोले परमेश्वर आज आपका वचन मेरे जीवन में काम कर रहा है, क्योंकि वचन जिंदा है। और जब वचन की तलवार लेकर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करने के लिए जा रहा है। और परमेश्वर बोलता है कि सुबह से जब आप प्रार्थना शुरू करेंगे, बोलना परमेश्वर मेरी आंखों के ऊपर क्या आए, खुद को कवर करें सिर से लेकर पैर तक परमेश्वर के ब्लड में, अपने बिजनेस को परमेश्वर के ब्लड में कवर करें, अपनी जॉब को, अपनी सीट को, अपनी गाड़ियों को, हर एक चीज़ को यीशु मसीह के लहू में कवर करें। क्योंकि जब आप खुद को यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं तो जो शैतान है वो आपको देख नहीं पाता, और परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर बनी रहती है यीशु मसीह के नाम में। जो परमेश्वर के कलाम में लिखा, विश्वास से प्रार्थना करने वालों के लिए धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपके निवेदन, आपकी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ यहोवा के सामने पेश की जाएं। आज सुबह के समय अपने घरों में जब आपने हालेलुया बोला, आपने वर्शिप की, तालियां बजाकर खुदा के नाम की महिमा की, और जो प्रेयर अभी आपने की, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें शर्मिंदा होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और बरकतें दूंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे नाम बोला, कोई नरेंद्र ब्रदर है, आप अभी इस समय ऑनलाइन चर्च में और आप कह रहे हो हाँ परमेश्वर आज ये वचन को मैं सुबह से लेकर शाम तक बोलूंगा और पवित्र आत्मा मुझे आज़ाद करेगा। पवित्र आत्मा, अगर कोई बबली सिस्टर है ऑनलाइन चर्च में, सुनीता सिस्टर है, आप लोगों ने भी, और सरोज सिस्टर है कि हमारे ऊपर कर्जा हो गया, आज परमेश्वर आज हमसे प्रार्थना करनी शुरू करेंगी और वचन को शाम तक आप बोलती रहेंगी, प्रार्थना करते रहना, वचन बोलते रहना, आज ही परमेश्वर आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। और साथ ही साथ परमेश्वर के कामों के लिए अय्यूब की तरह जागते रहा करें। ये परमेश्वर के कलाम में लिखा कि अय्यूब हर दिन अपने बच्चों के लिए क्या करता था, यहोवा से प्रार्थना करता था और एक भेंट लेके यहोवा के सामने जाया करता था। हर दिन यहोवा के प्रभु अगर मेरे बच्चों से गलती गुनाह हुआ तो मैं भेंट लेकर तेरे सामने आता हूँ परमेश्वर, और मेरे बच्चों को क्या तू सुरक्षित रखना यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलता है। आप स्क्रीन पर QR कोड भी देख सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अय्यूब की तरह खुदा के सामने जाएं और अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, परिवार के लिए, कर्जे के लिए खुदा के सामने एक भेंट उठाकर प्रार्थना करें, परमेश्वर ये भेंट मैं यहोवा के सामने मन्नत मांग के लेकर आता हूँ, खुदा आपने आज मेरे कर्जे को उतार दिया और मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा। लाखों लोगों के सामने मैं गवाही के साथ आऊंगा कि आपने मेरे कर्जे को खत्म कर दिया। जितनों ने विश्वास किया है तो पवित्र आत्मा कह रहा है आपके विश्वास के अनुसार मैं काम करूंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज आपके आगे आगे चलेगा, आपकी हर एक प्रॉब्लम को, हर एक मुश्किल को खत्म करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आज वादा किया है कि मैं तुम्हें कर्जे से आज़ाद करने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हें गिरने ना दूंगा, थकित ना होने दूंगा, बल्कि उकाब की नाई मैं तुम्हें उड़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। तो आइए अपने हाथों को उठाते हैं और हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आज हम इस प्रार्थना में खुदा खड़े रहें, डटे रहें, और मेरे परमेश्वर जितने लोगों से भी मिलें, जब उन्हें हम सुसमाचार आज प्रचार करेंगे, जो लोग हमें कर्जे वाले मिलेंगे, हम उन्हें भी आज इस प्रार्थना के बारे में बताएंगे। खुदा मेरे जीवन के साथ साथ जिससे जितने लोग मिले खुदा उनके जीवन में भी आशीष के क्या आए, फ्रूट्स आए, और परमेश्वर देखिए उन फलों को उनमें लगा हुआ कि जो यहोवा की ओर से उन्हें मिले। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी, आज जितनों ने वचन को सुना, मेरा विश्वास है आपने कर्जे को उतार दिया है, आपने हर एक उन लोगों को जो खुदा की ओर से इनके लिए नहीं है, इनके जीवन से दूर किया है, जो इनके बिजनेस के लिए सही नहीं है, उन्हें आपने इन लोगों के जीवन से अलग कर दिया मेरे खुदा, क्योंकि आज इनके हाथ ब्लेसिंग भरे हैं, आज इनके पांव ब्लेसिंग भरे हैं, इनकी देह प्राणात्मा आपने ब्लेसिंग से भर दिया यीशु मसीह के नाम में। जहाँ जहाँ ये कदम को रखेंगे खुदा, वहाँ वहाँ तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुएगा और ब्लेस करेगा, क्योंकि आपकी ये प्रजा हैं परमेश्वर, आपकी भेड़े हैं मेरे परमेश्वर, आप इन्हें हरी हरी चराइयों में लेकर जा रहे हैं, हरी हरी चराइयाँ, हरी हरी अनॉइंटिंग यानी गिफ्ट्स आप इन्हें देने के लिए जा रहे हैं, और कर्जा इन्हें छोड़ के जा रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना को सुना, इनके जीवन को बदला, कर्जे को इनकी लाइफ से दूर किया, धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आपको हर रोज़ मॉर्निंग प्रेयर में जुड़ना है, हर रोज़ वर्शिप करनी है, आपके लिए रोज़ नई नई प्रार्थना होगी, आपकी लाइफ में जो भी आपको लगता है सिचुएशन किसी ने नहीं सुनी वो परमेश्वर ने देखी है, और परमेश्वर ही उसको बदलने में सामर्थ्य है। तो विश्वास के साथ और लोगों को भी बताएं कि मॉर्निंग प्रेयर हमारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट है, और जब सुबह की प्रार्थना करके आज आप अपनी जॉब पे जाएंगे, अपने बिजनेस पे जाएंगे, अपनी शॉप पे जाएंगे, आप स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, जिनके एग्जाम है, जिनके टेस्ट हैं, विश्वास करना परमेश्वर वहीं अनुग्रह करने वाला है, आपको ब्लेस करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। किसी को किट्टू किट्टू बोलते हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे नाम बोला, कहते किट्टू आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, ब्रदर हो आपको किट्टू बोलते हैं लेकिन आप अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तेरे फाइनेंस को बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। कोई रोहिणी सिस्टर है ऑनलाइन चर्च में, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो ये सब हाथों को उठाएंगे और हम लास्ट प्रार्थना करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम, उसकी दया, उसकी सहभागिता हमारे हमारे परिवार के साथ अब से लेकर युगा युगान तक बनी रहे।
आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे, खुदा की अनॉइंटिंग में आप बढ़ते रहें। यीशु मसीह।